हेलो एवरीवन, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें पूरे चैप्टर लाइन से एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करता है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल क्या होता है, मोल एक्चुअल में है क्या? तो बात करें तो मोल एक क्या होगा, यूनिट होता है। यूनिट, और यूनिट क्या होता है, यूनिट किस काम के लिए आता है? यूनिट आता है कि मेजर करने के लिए चीजों को लिए, टू मेजर क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी कोई भी रहेगा, उसको मेजर करने के लिए क्या होगा, मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की यूनिट्स को यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमने कोई सब्सटेंस है जिसमें वेट है, तो उसको वेट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट होता है, वेट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। जैसे अगर हम मान लो टाइम को, टाइम मतलब तो अगर टाइम को अगर मेजर करना है तो किसमें यूज करते हैं, सेकेंड में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस को अगर मेजर करना है, डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो उसको हम किसमें, मीटर में मेजर करते हैं। तो ये सब होता है डिफरेंट है, जैसा सब्सटेंस होता है उसी तरह से यूनिट होता है। तो जैसे वेट है, वेट को केजी में मेजर करने का क्या तरीका है, जैसे जो भी सब्सटेंस होगा, मान लो इतना सब्सटेंस है, उसका कुछ अमाउंट को, फिक्स अमाउंट को मान लिया गया, मान लो कितना है ये 1 kg है, तो 1 kg के रिस्पेक्ट में देख लेंगे कि कितने टाइम से, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 4 टाइम कितने नंबर ऑफ टाइम्स में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही क्या होगा, मोल भी क्या है तुम्हारा, एक यूनिट है। अगर मोल एक यूनिट है तो वो किसको मेजर करने के लिए आ रहा है, टू व्हिच क्वांटिटी टू मेजर, किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है, कौन सी क्वांटिटी को इसको मेजर करने के लिए बनाया। तो देखो यहाँ पे आता है कि मोल को मेजर करने के लिए कौन सा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, मतलब मोल यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिट यूज करते हैं। देखो आगे, अब ये यूनिट क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यूज मेजर करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए क्यों ऐसा है, क्योंकि नंबर्स है तो नंबर्स तो 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारे हैं, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इन सबसे काउंट कर सकते हैं। बट उन्हीं पार्टिकल्स के मेजर करने के लिए, जैसे एटम हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब पार्टिकल्स को, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बहुत कम होता है। साइज क्या होता है, बहुत कम होने की वजह से अगर मान लो अगर 10 ग्राम भी है, 10 ग्राम है तो ये भी, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी के, 10⁻²³ के रेंज में आएंगे, 10⁻²³ के रेंज में आएंगे। तो 10⁻²³ के रेंज में तो मतलब बहुत हो गया, एक के आगे तुम 0 0 0 0 0 0 0 लगाते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। तो ये रियल में कोई ऐसा चीज है जो 10⁻²³ नंबर में एग्जिस्ट कर सकता है, तो नहीं, रियल में कोई भी ऐसी चीज है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आखिर किस मतलब इनको, क्योंकि इनके नंबर, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि 1 मोल पेन बोले, ठीक है, 1 मोल अगर पेन लेंगे तो क्या होगा, उसके नंबर्स क्या होंगे, 1 मोल पेन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मोल पेन मतलब 10⁻²³ के रेंज में पेन आया, तो 23 के रेंज में तो कोई पेन ही नहीं हो सकता, इतना ज्यादा पेन तो पूरे वर्ल्ड के पेन में मिला दोगे तो भी नहीं आएगा। 10⁻1 मोल बुक तो ये नहीं हो सकता है, केवल किनके लिए होता है, जिनको जो पार्टिकल्स क्या होता है बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, जिनका साइज क्या होता है बहुत स्मॉल होता है, उन्हीं के लिए केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिनका साइज क्या होता है बहुत स्मॉल होता है, जैसे अभी बताया मैंने, एटम, मॉलिक्यूल, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, इनको यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। तो अब देखो 1 मोल है, 1 मोल की क्वांटिटी होती कितनी है, ठीक है, एक मोल की क्वांटिटी होती कितनी है ये हम लोग देखते हैं, एक मोल कितना होता है। तो जो एक मोल की वैल्यू आता है, वन मोल इक्वल टू कितना हो जाता है, वन मोल इक्वल टू कितना हो जाता है 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल। तो एक मोल में कोई भी चीज अगर नंबर दिया रहेगा उसकी वैल्यू कितना होगा 10^26.02 इंटू। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम लोग, एन ए से, एन लिखिए और कैपिटल ए लेकिन सफेद नीचे लिखते हैं, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ए की वैल्यू कितना होता है 6.02 इंटू 10^23। कोई भी पेन है, जैसे मान लो अगर बोला जाए कि एक मोल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6.02 इंटू 10^23 भी लिख लो 10^23। इतने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे वन मोल अगर इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया तो। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया और ये समझ में आ गया कि इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, पार्टिकल्स, ये इन सबको यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन वन मोल एटम, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज बताओ। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक मोल इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6.023 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन। अब इतने इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10^-19 इतने कूलम होता है। लेकिन यहाँ माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि माइनस साइन सिर्फ इसको दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज की एक्चुअल वैल्यू होगी वो कितना हम बोलेंगे 1.6 इंटू 10^-19 कूलम ही बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो दो इलेक्ट्रॉन पे रहता था 2 का मल्टीप्लाई करते, 3 का रहता था 3 का मल्टीप्लाई करते। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन है तो जो चार्ज आएगा, टोटल चार्ज आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा वो क्या करेंगे 6.02 इंटू 10^23 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो इतने कूलम चार्ज होगा। इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं ना तो देखो 96500 कूलम इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे हम लोग चार्ज बोल सकते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 96500 और ये 1 फैरेड के बराबर होता है। इसी को हम लोग 96500 कूलम को हम क्या बोलते हैं 1 फैरेड बोलते हैं। और इसको याद रखना है, ये क्या है लर्न रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, या तो लिखो इसको या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो जब एक बार बोर्ड कंप्लीट हो जाए तो उसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज हम कितना ले लिए कि 1 फैरेड हो गया, ये 96500 कूलम का चार्ज है तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया कि 1 फैरेड का ये चार्ज हो जाएगा। कर देते हैं और ये इसको क्या करना है याद रखना है। अब आ जाओ, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट चार्ज इन फैरेड, कैलकुलेट चार्ज इन फैरेड। फैरेड में क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो कि बोला गया कि 1 मोल Na+, 1 मोल Na+ है तो इस पे चार्ज बताना है। दूसरा बोला जा रहा है कि 1.5 मोल Mg+2। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 मोल Al+3 या और एक क्वेश्चन है वो 4 कि 5 मोल SO4 पे 2- दिया हुआ। इन सब पे चार्ज बताना है। तो सोचो हमें ये चीज पता चल गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 96500 कूलम है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 फैरेड बोल रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो सोचो 1 मोल Na+ है तो Na+ पे चार्ज बताओ तुम। अगर Na+ पे चार्ज बताना है कहेंगे प्लस पे। अगर चार्ज बताएंगे तो एन ए प्लस पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन मिस हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन एन ए प्लस पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो अब क्या हो गया, एक मूल इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक मूल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अभी हमने पढ़ लिया है, वन मूल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 965, बिल्कुल आम में लिखो या यहाँ पे फैरेड में बोला जा रहा है, तो बस क्या हो जाएगा 1 फैरेड हो जाएगा, क्योंकि तो एक मूल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, यानी कि 1 फैरेड हो गया। एकदम क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि अगर मान लो कि 1.5 मोल Mg+2 है, तो Mg+2 मतलब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg+2 पे अगर हम लोग देखें तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ होगा, रिमूव हुआ होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1.5 मोल 2 इलेक्ट्रॉन करके है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1.5 मोल है Mg+2, एक Mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए 1.5 × 2, ये कितना हो गया 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए तो चार्ज कितना आ जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज कितना आ जाएगा 3 फैरेड आ जाएगा। तो अभी हमने ये देख लिया कि हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल ये जितना इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन और उतने मोल का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3 मोल है और एक पे कितने चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 मोल हो जाएगा। 9 मोल तो मतलब ये कितना आ जाएगा 9 फैरेड आ जाएगा। 5 मोल SO4 पे 2- है, तो 5 मोल SO4 पे 2- 5 और एक पे कितने चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 और 5 कितने हो गए 10 मोल हो गया। 10 मोल हो गया मतलब कितना फैरेड आ जाएगा, 10 फैरेड का क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, 10 फैरेड का क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया कि किसी पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पीछे वाला पेज का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। एक क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज नहीं निकालो, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज यहाँ ब्रैकेट में इधर लिख लो, सबका मैं बेसिक थोड़ा बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज क्योंकि बार बार यूज आते हैं, इधर लिख लो चार्ज और इधर लिख लो दोनों, इधर चार्ज हो जाएगा और इधर मास, इसको याद रखो ठीक है, बार बार आता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक है, और इसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻¹ kg होता है। प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे निगेटिव होता है, निगेटिव दिखाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 1.6 × 10⁻¹⁹ एक्चुअल में चार्ज कितना होता है, वहाँ पे निगेटिव साइन आपको। प्रोटॉन का भी चार्ज सेम ही होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसमें मास कितना होता है, इसका मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन पे चार्ज तो 0 होता है, अब मास इसका लगभग क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 3rd डिजिट में 1.78 × 10⁻27 kg ही होता है, 10⁻27 kg ही होता है, तो इसको याद रखना ठीक है बार। तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या बताना है, इसका मास बताना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10⁻31 के जी, तो होगा क्या 6.02 × 10⁻23, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9.1 × 10⁻31 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ से जो भी आ जाएगा 10⁻23, 10⁻8, और यहाँ पे 6.02 × 9.1 कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेना आगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन और करो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन सैंपल। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट किया गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल। यहाँ पे मास दे दिया, देखो यहाँ पे फाइनली हम लोग इसमें निकाले, यहाँ पे ये आंसर केजी निकाले। अब हमें ये आंसर ही दे दिया है और हमें ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो एक मोल था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल ही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, इसी को कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे वेट दे दिया है इसको। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो मान लो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हम कितना मान रहे हैं, एन मोल मान लिए। कितने नंबर ऑफ मोल है, एन मोल नंबर ऑफ मोल है। अगर एन मोल है तो एन मोल है तो कितना आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन इंटू, अगर एक मोल था तो वन इंटू किए थे, तो एन मोल है तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन हो गए। इतने तो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10^-31 kg, और इसको हम लोग बराबर कर देंगे किसके 1 kg के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं हम, n से डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6.023 इंटू 10^23 और यहाँ पे 9.1 इंटू 10^-31 के। यहाँ से ये क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। तो अभी हमको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हो। अब तो अब देखो आगे हम लोग को एक चीज यहाँ पहले तो ये देख लो एटॉमिक नंबर, चलो एटॉमिक मास देखते हैं क्या होता है। एटॉमिक मास बार बार हो जाता है एटॉमिक मास। तो ये ध्यान रखो एटॉमिक मास हम लोग को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक मास क्या होता है, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग इसको एएमयू बोलते हैं, एएमयू, और ये क्या होता है जीएएम होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, मास ऑफ वन एटम यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और ये क्या होता है यूज्ड फॉर मास ऑफ वन मोल एटम। अलग अलग क्यों किया गया, इसको दो की जरूरत क्यों पड़ी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो एटम होता है ना, एटम का साइज बहुत कम होता है, तो जो एटम का जो मास आ रहा था ना, एटॉमिक मास का क्या मतलब होगा, एक एटम का मास, उसी को एटॉमिक मास बोलेंगे। बट एटम क्या होता है साइज बहुत कम होने की वजह से उसका जो मास आता है ना वो 10^-23 ग्राम के रेंज में आता है। मतलब तो हम लोग जनरल का क्या कर रहे हैं 1 kg, 2 kg, 10 kg, 5 kg, 2 ग्राम तक, मतलब 100 ग्राम इसके भी डील करते हैं। 10^-23 ग्राम कैसे हम रिमेम्बर करेंगे कि बार बार 10^-23 इतना 23 आ जाएगा, ऐसे आता रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये यूनिट बनाया गया, कौन सा एटॉमिक मास यूनिट, और इसे डील करने के लिए ग्राम एटम। तो एक तो तरीका होगा कि हम लोग क्या करेंगे एक एटम के मास को ही लिखेंगे, तो इसको लिख दिया गया, एक यूनिट बना दिया 1 AMU। कि 1 AMU किसको बोलेंगे हम लोग 1/Na को बोलेंगे, मतलब 1/6.02 इंटू 10^23 यूनिट को बोलेंगे। मतलब 10 ये कितना हो जाएगा, इतना ग्राम रहेगा तो उसको 1 MU बोलेंगे। तो ये आसानी से डील हो जाएगा। और जैसे देखो, जैसे मान लो कि अगर सोडियम का बोले, सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो ये होता है 11 AMU होता है, बहुत आसानी से याद रहेगा। और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल में ग्राम में, तो हम क्या करेंगे इसको अगर एक्चुअल में ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 11 इंटू 1/Na कर देंगे। इतने ग्राम क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू रख देंगे 6.02, तो ग्राम में आ जाएगा। ये एक एटम का आ जाएगा, एक सोडियम एटम का। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं जैसे कि 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम हो गया एक मोल एटम हो गया तो ये किसके बराबर है, जैसे सोडियम के एक मोल एटम का है, सोडियम के एक मोल एटम का मास अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 11 ग्राम आ जाएगा सीधे सीधे। सोडियम के एक एटम 11 सोडियम का कितना होता है 23 होता है ना, सॉरी 23 होता है तो ये कितना आ जाएगा 23 ग्राम आ जाएगा, डायरेक्टली 23 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बोलेंगे तो इसको भी एटॉमिक मास, तो जनरली हम कौन सा यूज करते हैं जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, ग्राम एटॉमिक मास होता है इसी को हम लोग यूज करेंगे बार बार, ग्राम एटॉमिक मास को यूज करेंगे क्योंकि ये आसानी से बार बार बोला नहीं जाता कि 1 मोल एटम का मास, बट याद रखना है कि ये क्या होता है मास ऑफ 1 मोल एटम का। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम और इसका कितना 23 एक सोडियम के एटम का मास 23। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि जो वैल्यू होता है ना दोनों में बराबर ही आता है, एक यूनिट ग्राम में होता है एक यूनिट एमयू में होता है, दोनों की वैल्यू क्या होता है बराबर। अगर एमयू पता चल गया तो ग्राम लिख सकते हो, ग्राम पता चल गया तो एमयू लिख सकते हो। बस ये है कि ये एक एटम का मास है और ये क्या है 1 मोल एटम का मास है। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ये कि क्या होता है कि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है बराबर ही होती है, बस ये ग्राम में होता है और ये एमयू में होता है, ये एक एटम का होता है और ये 1 मोल एटम का होता है। तो जहाँ पे जिसमें कन्वर्ट करना हुआ हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे आता है, ठीक है। तो यहाँ तक अब मैं बोल रहा हूँ कुछ के एटॉमिक मास और वो सब याद रखो, एटॉमिक नंबर क्योंकि होता नहीं है। पहले एटॉमिक नंबर लिख लो इधर, यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं एलिमेंट और यहाँ पे उसके एटॉमिक मास लिख लेते हैं, ठीक है। इसको याद रखो 1 से 20 तक कम से कम याद रखो, जिससे क्या होगा बार बार ये यूज में आएगा। ये जैसे एटॉमिक नंबर 1 लेते हैं तो एलिमेंट कौन सा आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1 होगा। ये देखो 2 है, 2 कौन सा हो जाएगा हीलियम, कितना होता है 4। ये कुछ अभी बताते हैं कैसे याद है, याद भी रखना है। 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा 3 कौन सा होता है लिथियम, लिथियम का कितना होगा 7। 4 बेरिलियम, बेरिलियम कितना हो गया 9। 5 बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है 11। 6 कार्बन 12। 7 नाइट्रोजन 14। 8 ऑक्सीजन 16। 9 फ्लोरीन 11, ठीक है। और भी इनको 20 तक तो याद रखो। फ्लोरीन हो गया, यहाँ से 10 आ जाएगा तुम्हारा नियोन, नियोन का कितना होता है 20। 11 सोडियम, सोडियम का कितना होता है 23। 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24। 13 का हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना आ जाएगा 27। 14 हो जाएगा तुम्हारा कौन सा होता है सिलिकॉन होता है 28। 15 फॉस्फोरस 31। 16 सल्फर 32। 17 क्लोरीन होता है 35.5 और 18 आर्गन 40। 19 कैल्शियम 39 और 20 कैल्शियम 40। तो अब देखो कुछ कुछ तरीका मैं बता देता हूँ इसमें याद रखने का क्या करना है तुम्हें, ठीक। तो जितने भी इवन है याद रखने का तरीका क्या है कि अगर इवन नंबर में है एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो क्या करना है तुम्हें डबल कर दो, इवन है तो क्या करना है डबल कर दो। अगर ऑड है एटॉमिक नंबर यदि ऑड है तो हमें क्या करना है इसमें डबल +1 कर देना है, जो डबल किए उसमें +1 कर देंगे। तो कुछ कुछ डिफरेंट आएंगे, बाकी सब में देखो इवन देखो जैसे 14 देखो 14 है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 10 देखो 10 है तो 20। 12 है डबल करना है, सिर्फ इवन है तो सीधे डबल कर दो 16 32 18। ये थोड़ा सा 36 होना चाहिए बट ज्यादा है ये एक्सेप्शन, तो ये कुछ जो एक्सेप्शन रहेंगे उनको याद रख लो 20 48 16। कुछ कुछ डिफरेंट आएंगे 6 12 4, यहाँ पे डिफरेंट है 2 4। तो इवन वाले में क्या करना है सीधे डबल कर देना है। और ऑड वाले में देखो ऑड वाले में 1 का तो चलो एक्सेप्शन 1 का 1 ही है। 3 का देखो 3 करेंगे तो 3 का क्या आ जाएगा डबल करेंगे तो 6 6 + 1 कितना आ गया 7। 5 है तो 5 का डबल 10 10 + 1 11। 7 है तो चलो ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा, 7 है तो 14 है, 9 का करेंगे तो ये 11 क्या मैंने, 9 का 19 है, 9 का 18 प्लस 1 करेंगे तो क्या रहेगा 19 आ जाएगा, 11 का 23, इसका देखो डबल प्लस 1 26 प्लस 1, 15 का 30 प्लस 1, ये थोड़ा सा डिफरेंट है 35.5, ये 19 का 38 प्लस 1 39, तो ये समझ में आएगा होगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। आगे आ जाए, चलो एटॉमिक नंबर तो समझ में आ गया, एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं एटम के लिए, ई फॉर एटम, फॉर एटम। अभी केवल हम लोग एटम से कंसीडर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो वेट ऑफ जो भी एटम है, वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। इसी को नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे दिया रहता है नंबर ऑफ ग्राम एटम भी दिया रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट, कर सकते हैं वेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से एटॉमिक मास। अभी जो हम लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा था ना, सबके लिए ग्राम में, तो वेट को भी किस में रखना, ग्राम में रखना। एटॉमिक मास तो तुम्हारा वो ग्राम में हम यूज करते ही हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को किस में रखना होता है, ग्राम में, ठीक है। और इसको भी क्या कर सकते हैं, ग्राम में यूज कर सकते हैं। चलो अभी ये समझ में आ गया। और अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ एटम अगर बताना रहेगा, मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम बताना रहेगा, तो मान लो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो कितने एटम होंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे, जितने मोल्स हैं, एक मोल्स में कितने होते हैं, 6.023 × 10 पर 20, तो ये इतने नंबर आएंगे। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम, और एक ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, बेसिक वेट डिवाइड बाय क्या करना है, एटॉमिक मास कर देना है, ठीक है। इसके बेसिस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लो पूछा जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द number of moles of sodium in 115 ग्राम। 115 ग्राम में क्या बताना है, सोडियम के मोल बताने हैं। तो 115 ग्राम में सोडियम के मोल कितने हो जाएंगे, मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल निकालना है, यानी कि स्मॉल एन। तो देखो 115 ग्राम ये वेट हो गया, तो ये वेट लिखे थे, वेट हो गया। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, तो 23 से रख के यहाँ से क्या करें, डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा 5 टाइम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मान लो तुमसे इसमें एटम भी पूछा जाता था, सोडियम के एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम अगर मान लो तुमसे पूछा जाता तो भी निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, 5 × ये Na कर देते हैं, Na की वैल्यू कर देते 5 6.02 × 10 पर 23, इतने एटम आ जाते हैं। क्लियर हो गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलते हैं। आगे आ जाओ यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो इस टाइप के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी देखो, और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ moles and number of atom in the following। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से हम लोग देखो, फॉलोइंग मान लो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, 10-11 माइक्रोग्राम ऑफ बोरॉन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 28 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। और देखते हैं। फोर्टी के जी ले लो, 40 kg ऑफ आर्गन। ये 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या क्या बताना है हमें? नंबर ऑफ मोल्स बताना है और नंबर ऑफ एटम बताना है। तो नंबर ऑफ मोल्स करने के लिए क्या करना है, वेट डिवाइड बाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होगा तुम्हें, अगर देखो तुम्हें सॉल्व करना है तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है? वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करके सोचो कैसे होगा, फिर उसको वीडियो को प्ले कर देना जब से जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। चलो अभी मान लो अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो हमने पढ़ा कि वेट डिवाइड बाई एटॉमिक मास कर देना होता है, क्योंकि अभी एटम की ही बात कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो वेट जो होता है यहाँ पे एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइक्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये किसके अंदर माइक्रो मतलब, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। अब वो जो भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, मीटर के यहाँ पे ग्राम दिया हो तो 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा। तो देखो 11 में माइक्रोग्राम दिया था। इसको वेट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, वेट को क्या करेंगे 11 × 10⁻⁶ ग्राम में हो गया। अब नीचे ग्राम में होगा तो इसका एटॉमिक मास रखो, बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, 11 होता है। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मोल आ गया, 10⁻⁶ मोल आ गया, 10⁻⁶ मोल आ गया। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम बताना हुआ, नंबर ऑफ एटम बताना हुआ तो क्या करेंगे, 10⁻⁶ Na, Na बस क्या करना, Na की वैल्यू पुट करो तो 6.02 × 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन दिया हुआ है, 28 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो अभी मिलीग्राम है तो 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होगा, क्योंकि इसको तो ग्राम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 28 × 10⁻³ ग्राम और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सिलिकॉन का वेट कितना होता है 28 होगा, तो 28 से 28 कितना आ जाएगा, 10⁻³ मोल आ गया। और नंबर ऑफ एटम अगर बताना हुआ हमें, नंबर ऑफ एटम बताना हुआ तो 10⁻³ क्या कर देंगे, Na कर देंगे, 10⁻³ Na कर देंगे। अगर मान लो ये देखो सेम क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे केजी में दिया, बड़ी यूनिट है तो 1 kg को भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻ प्लस में आएगा, +3 ग्राम हो जाएगा। 1 kg में कितना आता है, 10⁻³ ग्राम। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ 40 × 10⁻³ कर देंगे ग्राम। और आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 ग्राम होता है, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 10⁻³। नंबर ऑफ एटम अगर निकालना हुआ बस वही 10⁻³ Na करो या Na की वैल्यू पुट कर दो, 10⁻³ जैसा तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहता है, 10⁻³ करके इसको सॉल्व कर लोगे तो इतने ग्राम पे आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन होगा इसके एटम से रिलेटेड, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अगर कहीं पे भी डाउट रहेगा तो कमेंट में क्या करो, नीचे जो भी रहेगा नीचे क्या करना, कमेंट में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग को सॉल्व करा देंगे, मतलब बता देंगे वो वाला जो भी डाउट होगा, ठीक है? और ये सीरीज आगे चलता रहेगा, ठीक? तो नेक्स्ट आगे चलो एक एक करके सारा एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाओ आगे देखते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हुआ तो मैं ये समझ में आ गया एटम का मोल, नंबर ऑफ मोल निकालना और टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना, ये हमें समझ में आ गया कैसे करना है। जो वेट दिया रहेगा उसको भी ग्राम में करेंगे और मोल में करना, एटम करना ऐसे कर लेंगे। तो अब चलो आ जाओ थोड़ा सा हम बताते हैं, अब मॉलिक्यूल्स से कंसीडर करते हैं हम लोग कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो बहुत बार बार इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो हम लोग एक Na2CO3 की बात करें, Na2CO3 एक कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये है तुम्हारा मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो एटम प्रेजेंट है, सोडियम के 2 एटम हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एटम हो जाएंगे। तो एटम से कंबाइन होके, तो एटम की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहता है, इन एटम्स के बीच में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होता है, जो एटम होते हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जैसे ये क्या होता है, बहुत साइज कम होता है, 10 को 23 के रेंज होता है। ये भी 10 को 23 की, इसका भी साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता। तीन ही एटम तो मिले हैं, तीन एटम मिला तो इसका साइज क्या होगा, मतलब नंबर्स जो होगा 10 को 23 के नंबर में ही होगा। बट कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ये बार बार बोला जाता है कि फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये तुरंत तो क्या ऐड होकर मॉलिक्यूल बना लेंगे, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट समझ में नहीं आता क्या होता है। और देखो मैं बताता हूँ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हुआ ना, तो जैसे NaCl प्लस NaOH ले लो, क्या बनाएंगे NaCl प्लस H2। एक्चुअल हुआ क्या, इधर के ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए, एटम के फॉर्म में गया, और ये एटम दूसरे एटम के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है। एटम रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है। ब्रेक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, फिर वो एटम क्या करता है, कंबाइन करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और यही देखो मॉलिक्यूल्स के साथ, ये फ्री स्टेट में रह सकता है। फ्री स्टेट में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स रहेगा वो क्या हो सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है। बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि वो ब्रेक होता है ना, ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद वो क्या बनाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये फ्री स्टेट में क्या हो सकता है, नहीं, ये फ्री स्टेट में रह सकता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। और एटम के कॉम्बिनेशन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या जो बना होता है, मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं। तो आई थिंक अभी एटम और मॉलिक्यूल्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एटम पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कि उसका वेट डाल के एटॉमिक मास कर दो, ऐसे टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना होता है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उसमें Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग क्या होता है, एटम आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आ जाऊंगा। यहाँ से अब देखो मॉलिक्यूल्स तो थोड़ा समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है सिंगुलर, जैसे एटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे वहाँ पे एटम के लिए एटॉमिक मास था, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास रहेगा। और मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो होगा AMU, जो कि तुम्हें पता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा। और एक होगा ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम GM में ग्राम मॉलिक्यूल, GMM बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं समझाएंगे क्योंकि ये समझ में आ चुका है। एक एटम का मास होता है, तो जैसे मान लो कि अगर NaOH का अगर मास निकालना है, NaOH का एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 1 मोल का लेना, तो सारे एटम पे क्या कर दो, ऐड कर दो। सोडियम का कितना होता है, अब याद कर लिया होगा, 23 MU, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 AMU आ जाएगा। 40 MU लिखें, मतलब NaOH के एक मॉलिक्यूल, एक NaOH का कितना वेट आ गया, 40 MU। अगर 1 मोल NaOH रहता तो NaOH का अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या लिखा, 23, ये भी सेम ही होगा, 16 + 1, और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम में आएगा। ये ग्राम में है, AMU में। ये एक एटम का है और ये किसका है, 1 मोल एटम का है। ये बहुत बेसिक है डिफरेंस इन दोनों में, दो डिफरेंस को ध्यान रखना है। ये क्या होता है, 1 मोल के लिए होता है, और ये क्या होता है, 1 एटम के लिए होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के हम देते हैं, उनका क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। ठीक है, और कुछ के बताएंगे जिनके याद भी रखने होंगे, जो बार बार यूज में आते हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे जैसे देखो जिनके जिनके याद रखना बार बार यूज होता है। तो H2SO4 अब देखो निकालना है तो क्या करोगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 4 कर देंगे और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का H2SO4 का याद रखोगे 98 होता है। ऐसे H3PO4 इसका भी निकालोगे तो 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है 31 प्लस 16 इंटू 4। तो कुछ कुछ पेपर में क्या दिया जाता है जिनके एटॉमिक मास दिए रहते हैं, मतलब एटॉमिक मास दिया रहेगा तुम्हें ऐसे ऐड करके निकालना होता है। तुम याद रख लो ना सबसे अच्छा है, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। ये भी कितना था 98 ग्राम आता है। CO2 का निकालोगे तो ये क्या होगा 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो याद रखना है NH3 कितना होता है 17 आएगा, निकालोगे तो NH2 CO NH2 यूरिया होता है, इसका निकालोगे ये क्या होता है यूरिया। ठीक है, ये बेसिक बार बार क्वेश्चन में दिए रहता है। तो इसका होता है तुम्हारा 60, इसको याद रखो। ग्लूकोज हो गया C6H12O6, क्या बोलते हैं ग्लूकोज, इसको याद रखो। ग्लूकोज का कितना होगा ये आता है 180 आता है। और बताते हैं तुम्हारा C12H22O11 सुगर, इससे कितना आता है 342। और याद रखो इसमें इनका हो गया कोस Na2CO3 का याद रखो। ये पार हो रही है, निकाल सकते हो, नहीं भी याद हो रहा है निकाल सकते हो लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये होता है 106। CaCO3 बार बार यूज होता है, CaCO3 कितना होता है 100। KClO3 होता है, इसका नहीं भी याद रखोगे तो भी होता है KClO3, इसका होता है तुम्हारा 122.5 आता है। क्लोरीन है ना। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको क्या करो याद रखो। MgSO4 84 आ जाएगा, MgSO4 निकालोगे कितना जाएगा 84 आ जाएगा। तो ये बार बार ये यूज आते हैं, तो इनके स्क्रीन शॉट ले लो और इनका याद रखो। इनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या रखना है, मॉलिक्यूलर मास याद रखना है। याद रखोगे तो आसान है तुम्हारे लिए, तो निकालने के लिए तो ऐड करके क्या कर सकते हो निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो ये एक और चीज मैं बता ही देता हूँ यहीं पे, एटॉमिसिटी। ये इसी यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ एटॉमिसिटी। तो कोई मॉलिक्यूल्स है ना कितने उसको एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो जैसे चलो एक नीचे सबसे एग्जांपल देखते हैं, MgSO4 है। MgSO4 के एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, मैग्नीशियम 1, सल्फर 1 है और 4 क्या है ऑक्सीजन है। टोटल कितने हैं 6। MgSO4 की एटॉमिसिटी, टोटल एटॉमिसिटी कितनी है 6, मतलब 6 एटम है। ऐसे सब में पूछा जाए, अगर मान लो H2SO4 में पूछा जाए, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने होंगे 7। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 7। तो कभी कभी टोटल एटॉमिसिटी की बात किया जाता है, कभी कभी पर्टिकुलर कोई एटम की बात किया जाता है। तो H2SO4 में अगर केवल ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी अगर बताया जाए, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। H2SO4 अभी बता दिया मैंने कि H2SO4 की एटॉमिसिटी अगर निकालना तो अगर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताएंगे तो 4, सल्फर की एटॉमिसिटी 1, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 और टोटल अगर एटॉमिसिटी की बात करें, टोटल एटॉमिसिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा, टोटल एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो ये एटॉमिसिटी यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो पता ही चल गया एटॉमिसिटी क्या हो गया। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स का। तो अगर मॉलिक्यूल्स में भी क्या हुआ, जैसे एटम के फॉर्म में था, एटम के लिए क्या था नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाला था, तो ऐसे इसमें भी निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल के लिए। अब हम लोग किसके बात कर रहे हैं? फॉर मॉलिक्यूल। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? वेट डिवाइड बाय अब मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से ये देखो, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ग्राम में रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा, पता ही है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, जैसे मान 5 मोल्स आ गए, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मान लो बताना है तो ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है तो क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं n इंटू इसके एवोगेड्रो नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10 पर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे ये एटम के लिए था तो वैसे ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इंटू एन ए और एन इंटू 6.023 इंटू 10 पर 23 हो गया। अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो और हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एटम बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लो कि अगर 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल क्या है पहले इसको समझ लो। 2 मॉलिक्यूल क्या है? H2SO4 क्या है। तो इसमें टोटल कितने एटम होंगे? टोटल एटम, तो टोटल एटम कितने हैं? तो एक मॉलिक्यूल में कितना था? 2, 3 और 7, ये एटॉमिसिटी इसी कितनी थी? 7। मतलब एक H2SO4 का मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें कितने थे? 7। अगर 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या करेंगे? 2 इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 एटम हो जाएंगे टोटल। 2 मॉलिक्यूल है ना, एक में 7 है तो 2 में कितना है? 14। हमने क्या किया? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें हम लोग ने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एटम आए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर कोई पर्टिकुलर एटम पूछा जाए, अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 में, तो टोटल ऑक्सीजन का एटम पूछा जाए, टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। 2 में, एक में 4 है तो 2 में कितना हो जाएगा? 8। तो 2 इंटू क्या कर दिया हम लोगों ने? 4 कर दिया। अभी भी हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में किस किस से मल्टीप्लाई किया? उस पर्टिकुलर एटम के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया गया। मतलब एक और चीज यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एनी एटम। एनी एटम, कोई पर्टिकुलर एक एटम की बात किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम ऊपर निकाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ये हम कर लेंगे। तो बस ये ध्यान रखो कि अगर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मोल इंटू एन ए कर लेंगे, एन इंटू 6.02 इंटू 10 पर 23, और टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट लेने वाले हम लोग। चलो नेक्स्ट, ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो आगे चलते हैं। एकदम आज तो अभी भी एकदम बेसिक है, मोल चल रहा है, एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आगे धीरे धीरे करके सब कंप्लीट करेंगे लोग, ठीक है? तो देखते रहो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड number of molecules in the following. इन सब में क्या करना है ये बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 दिया हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें, अभी एकदम उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया है। 212 ग्राम 200 ग्राम ऑफ CaCO3 और लिख लो 44 ग्राम ऑफ CO2। चलो तीन ही क्वेश्चन करते हैं, तीन क्वेश्चन रहेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, तो 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, इसमें हम अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करें, अगर हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था मोल्स का क्या होता है, वेट डिवाइड बाई क्या करना था, मॉलिक्यूलर मास करना था। तो मोल्स 212 ग्राम है, 212 डिवाइड बाई इसका देखो ये वेट आ गया ग्राम में, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 106। Na2CO3 106 से डिवाइड करेंगे तो मोल कितना आता है 2 मोल। जैसे एटम के लिए किया था ना वैसे सेम, इसके लिए 2 मोल हो गया। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है तो कुछ भी नहीं, 2 into Na कर दो। अगर चलो एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देते हैं, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम बताना रहता है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताना रहता है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताना रहता है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं, 2Na आए हैं। तो 2Na में क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो Na2CO3 की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो कितना होगा 6। तो ये कितना आ जाएगा 12Na आ जाएगा। और लास्ट में अगर देखना है आंसर Na में दिया हो तो Na में, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो क्या करें, Na की वैल्यू पुट करना है 6.0 × 10⁻³ करना है। ऐसे करके टोटल नंबर, अगर मान लो तुमसे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा जाता, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा जाता तो क्या करता है। तो केवल ऑक्सीजन 2Na मॉलिक्यूल्स तो हैं, और केवल ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखो 3 है, एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है Na2CO3, तो कितना हो जाएगा 6Na हो जाएगा। आंसर कितना दे देंगे 6Na। तो ऐसे 200 ग्राम का निकाल लेना, इसका भी कर लेना, इसमें कर लेना, डाउट रहेगा तो कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए चलो बस इतना ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये एक एक लेक्चर करके, जैसा तुम लोग अगर मतलब कोई अदर चैप्टर का अगर करना होगा सीखना होगा तो भी बता दो, बता देना, नहीं तो मैं एक चैप्टर कर करके पूरे लाइन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तुम्हें वीडियो देखना है, ठीक है। तो और कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट में लिख देना। फिर यहीं पे इसको एंड करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।